दिव्य सरसी सलोचन सर पर जटाभूषण धनुष बाण शोभित कंधे पर मालाए पीत वसन शबरी नीरख विभोर से हर आई दो नयन वचन न आई मुख में वो बार बार रूप निहारे पद पंकज में गिर प्रणाम कर गुरु वाणी सुमिरे मधुर सुंदर हसत श्री राम श्री रघुनंदन अतिकृत होए शबरी बिठाई ले दिव्य आसन जल पात्र लेके प्रभु जी के वो पद पानी पखारे प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले वो माथे लगाए पैर पोछ अपने वासन से गले माला पहनाए पूजा थाली हाथ ले करके वो आरती गाए शुभ शंख ध्वनि बजाई प्रणाम करे बार बार फल कंद मूल सेवन के लिए दिए उपहार दंत चिन्ह बारी श्री राम ने खाए अति स्नेह में फल चुन कारने बारी दंत चिन्ह नहीं जाई बहुत मीठे इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो लक्ष्मण ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते मां और दोनों वेद बखाना हरि पद रति रस वेद बखाना खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे बेर रघुराई चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे खाओ मोरे लक्ष्मण भाई खाई रहे रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे रघुराई मीठा था प्रेम भाव मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव शबरी जन्म फल दाई खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे बेर रघुराई
अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे चार बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। मतंग ऋषि का प्रताप है, आज वो नहीं है, परंतु उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं। प्रभु, कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु, हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अति हीन, गवार और बुद्धिहीन नारी हैं। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानू। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानू। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखू न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूं। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं। माता, स्तुति बुरी बात नहीं है, स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो, यानी बिना किसी स्वार्थ के हो, उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु। जानता हूं माता, तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग, और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम, और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरी कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता, अभिमान रहित गुरु सेवा, और चौथी भक्ति है
छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दे और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराए दोषों को कभी न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मां तू प्रवीण, इसीलिए इत आई हम दरस आप काली, दरस आप काली। ये सब की सब भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूं। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना, एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहां मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपासर की यात्रा कीजिए, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी।
आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना ताज भी सिद्ध होगा और आपका भी प्रभु। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। उन्हें सब कुछ था ज्ञान, करते जप तप और ध्यान। भिलनी से की तुमने बात, हे रघुराई, इसको न था कुछ ज्ञान।